अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडियो 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बहार 2020 में जितने भी मेरिट बेस्ड प्रोग्राम ऑफ़र किए थे उनकी मेरिट लिस्ट अपनी वेबसाइट पे अपडेट करना शुरू कर दी है, जैसे MSc मास कम्युनिकेशन, जैसे MSc फॉरेस्ट्री एक्सटेंशन। यूनिवर्सिटी ने मेरिट लिस्ट को अपनी वेबसाइट पे अपडेट करना शुरू कर दिया है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह मेरिट लिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है या नहीं आया, उसके बाद किस तरह आप अपनी बकाया फ़ीस को जमा करवाएंगे। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसे क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन फॉर सेमेस्टर स्प्रिंग 2020 लिखा है। इसमें मोर डिटेल को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे प्रोग्राम दिए गए होंगे, आपने यहाँ पे प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, तो जो आपकी क्लास होगी आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सबमिट करवा लेना है। यहाँ पे दो क्लासेस की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जैसे MSc फॉरेस्ट्री एक्सटेंशन, MSc मास कम्युनिकेशन। यहाँ पे MSc मास कम्युनिकेशन को मैं सिलेक्ट करके सबमिट करवा देता हूँ। उसके बाद अगले पेज पर आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। तमाम तर वो स्टूडेंट जिनके मेरिट लिस्ट में नाम आ चुके हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए गए हैं। यहाँ पे फ़ीस सबमिट करवाने की लास्ट डेट भी आपको बता दी गई है। आपने बकाया तमाम फ़ीस जो है वो बैंक में सबमिट करवा लेनी है 10 जुलाई 2020 तक। इसके बाद आपने चेक करना है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट पे आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो आगे स्टूडेंट आईडी लिखी होगी, वो स्टूडेंट आईडी जो है वो आपने कॉपी कर लेनी है। उसके बाद आपने ऊपर आना है, यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड बैंक चलान पर आना है। यहाँ पर आपने स्टूडेंट आईडी को एंटर करना है, सबमिट करवा देना है। उसके बाद आपका नाम नीचे आएगा, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने चलान आ जाएगा, आपने इसे प्रिंट करवाना है और बैंक में फ़ीस अदा कर देनी है। फ़ीस अदा करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी का चलान डिपार्टमेंट को अरसाल कर देना है। प्रॉस्पेक्टस के ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी डिपार्टमेंट की। तो उम्मीद करता हूँ आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया हो। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।